एनसीईआरटी का वेंट ऑफ फैक्टर पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है 2.33। क्वेश्चन में कहा है 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरो लग जाने से माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो ये प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाएगा और नंबर ऑफ आयन 2 हो जाएंगे। फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिसॉल्वड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज Ka। जब डिग्री बोल दे या परसेंटेज बोल दे उसका मतलब अल्फा पूछ रहा है, लेकिन कांस्टेंट पूछ ले डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब वो Ka पूछ रहा है फ्लोरोएसिटिक एसिड का। Kf फॉर वाटर, क्योंकि 500 मिलीग्राम 500 ग्राम ऑफ वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो Kf ऑफ वाटर इज 1.86। आपको यहां Kf दे रखा है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री दे रखा है तो डेल्टा Tf इज IKfm। अब आई डेल्टा Tf क्या हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड और I हमें निकालना, उसने क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर तो ये 1 हो जाएगा। I क्या हो जाएगा, I हमें निकालना है। Kf क्या हो जाएगा 1.86 इनटू मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। फ्लोरोएसिटिक एसिड को हम प्लस करेंगे कार्बन 12 दो हाइड्रोजन का 2 फ्लोरीन 19 कार्बन फिर 12 फिर 16 32 और फिर हाइड्रोजन 1 तो इन सबको ऐड करने के बाद आएगा 78। वहीं वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है 500 तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। आई आप यहीं रहने दो, इस 1 में 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 19.5 इंटू 1 अपॉन 1.86 ये आई हो जाएगा। यहां से अब हम आई निकाल लेंगे तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.07 मतलब आई थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ क्योंकि ये वीक एसिड है तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1.07। तो अब यहां पर ही आई की वैल्यू आ गई और यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर तो आई की वैल्यू आ गई। तो हम पहले यहां से अल्फा निकाल लेंगे क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू है 1.07 तो अल्फा इज इक्वल टू डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 तो अल्फा हमें निकालना है। I की वैल्यू 1.07 माइनस 1 अपॉन n नंबर ऑफ आयन फॉर फ्लोरोएसिटिक एसिड इज 2 माइनस 1 तो अल्फा इज इक्वल टू 0.07। अब ये अल्फा आ गया 0.07 तो इस अल्फा को हम यहां पुट करके Ka निकाल सकते हैं। तो Ka के लिए मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर तो यहां पर मोल्स हम पहले भी निकाल चुके हैं 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट तो ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोल आ गया और वॉल्यूम लीटर में तो 500 ml तो 500 डिवाइडेड बाय 1000। इसको हम सॉल्व कर लेंगे Ka इज 19.5 डिवाइडेड बाई 78 इंटू 1 और ऊपर हो जाएगा 2 तो 2 3 जा 6 2 9 जा 18। फिर इसको सॉल्व करेंगे Ka के लिए तो Ka के लिए इसको सॉल्व करने पर आप ऐसा करो 19 और 39 इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 19 2 जा 38 ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 तो दिस इज 1 बाई 2 1 बाई 2 इज 0.5। अब ये हुई कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन हम अल्फा स्क्वायर को अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा है 7 इंटू 10 रिस टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 7 7 जा 49
इंटू 10^-4, फिर 0.5 इंटू 49 10^-4। तो के ए यहां पर हम सॉल्व करें, आप इसको 50 ही मान लो, अप्रॉक्स हम इसको 50 मान लेते हैं। तो ये 5 जा क्या हो जाएगा, 25, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 2.5 इंटू 10^-3, तो यहां पर ये के ए की वैल्यू आ जाएगी।